हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार, आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशि फल की। आज हम जानेंगे कि आने वाले 7 दिन यानी कि 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, यह जो राशि फल होते हैं यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। इससे हमें यह पता लग पाता है कि आने वाले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। तो आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह का राशिफल। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आने वाले 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति कहाँ रहने वाली है। सूर्य ग्रह रहेंगे सिंह राशि में, बुध ग्रह रहेंगे सिंह राशि में, मंगल ग्रह रहेंगे मेष राशि में, शुक्र और राहु की युक्ति मिथुन राशि में है, गुरु और केतु दोनों धनु राशि में हैं। इसी प्रकार शनि ग्रह पूरे सप्ताह मकर राशि में रहेंगे और चंद्रमा आने वाले 7 दिनों में 4 राशि परिवर्तन करेंगे। यह राशियां होंगी तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। तो आइए जानते हैं राशि के अनुसार आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल लग्न में ही स्थित है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग पंचम स्थान में पड़ता है। मेष राशि वाले लोगों के लिए आने वाला सप्ताह काफी खुशखबरी वाला रहेगा। प्रॉपर्टी पर या वाहन पर किसी प्रकार का आकस्मिक खर्चा हो सकता है। नौकरी को लेकर या व्यवसाय को लेकर यदि कोई समस्या है तो उनमें आपको बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यदि आप किसी प्रकार का कर्जा लेने का सोच रहे हैं, किसी प्रकार का लोन लेने का सोच रहे हैं तो आने वाला सप्ताह आपके लिए काफी पॉजिटिव है। आपको आपके प्रयास में सफलता जरूर मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से आने वाला सप्ताह आपके लिए खुशखबरियां लेकर आएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र स्वराशि के हैं और द्वितीय स्थान में राहु ग्रह के साथ बैठे हैं। पारिवारिक विवाद, पारिवारिक तनाव यदि किसी प्रकार का है तो वह दूर होगा। पारिवारिक लोगों से और मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। संतान को लेकर कोई न कोई खुशखबर मिलेगी। संतान को लेकर कोई पॉजिटिव चीजें सुनने को मिलेगी। यदि आप कर्ज लेने का सोच रहे हैं तो आने वाला सप्ताह आपके लिए अति उत्तम है। शत्रुओं से सावधान रहें, आपके शत्रु आपके कॉम्पिटिटर आपको परेशान कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध सूर्य ग्रह के साथ में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। यदि किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी है तो वह दूर होगी। आने वाले सप्ताह में रुकावा पैसा बड़ी मात्रा में आने के योग है, बस आपको प्रयास करना चाहिए। आपके बातों के अंदर आपको वजन दिखाई देगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बातों के अनुसार काम करेंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर और पार्टनरशिप को लेकर आने वाला सप्ताह काफी अनुकूल है। विवाह को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। जीवन साथी से यदि किसी प्रकार का मनमुटाव है तो वह दूर होगा और उनसे सहयोग मिलेगा। लंबी यात्रा के योग आपको आने वाले सप्ताह में देखने को मिलेंगे और यह लंबी यात्रा मुख्यतः व्यवसायिक कारणों से होगी। कर्क राशि, कर्क राशि वाले लोगों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा है। प्रेम विवाह को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। प्रेम संबंध में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास है, किसी प्रकार के मनमुटाव है तो वह दूर होंगे। उच्च शिक्षा को लेकर आने वाला समय काफी अच्छा है। एक नई शिक्षा की शुरुआत आप कर सकते हो। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था में बढ़ोतरी होगी और धर्म कर्म के कार्य पर आपका पैसा खर्चा होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य अपनी ही राशि सिंह में आने वाले सप्ताह में रहेंगे और बुध ग्रह का साथ सूर्य ग्रह को और स्ट्रांग बनाएगा। इसलिए सिंह राशि वाले लोगों के लिए व्यापार और व्यवसाय के लिए आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा है। व्यापार में और व्यवसाय में आगे बात बढ़ेगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। आपको आपके मित्रों का और आपके भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। यदि आप शिक्षा क्षेत्र में हैं तो शिक्षा क्षेत्र में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। बस एक सावधानी आपको रखना चाहिए, आपको अपने नौकर पर, अपने अधीनस्थ व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये लोग आपके लिए तनाव का कारण बनेंगे, ये लोग आपके लिए चिंता का कारण बनेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध अपने स्थान से 12वें स्थान में सूर्य ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। इस कारण से
पारिवारिक लोगों से या मित्रों से किसी प्रकार का तनाव हो सकता है। इन लोगों से कहीं ना कहीं संबंध खराब हो सकते हैं। अपनी भाषा पे और अपने विचारों पर संयम रखें। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए काफी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला सप्ताह आपके लिए अच्छा है। आपको नए इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलेंगे। प्रॉपर्टी पर या वाहन पर किसी प्रकार का आकस्मिक खर्चा आने वाले सप्ताह में आपका हो सकता है। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र मिथुन राशि में राहु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। साथियों, आने वाले सप्ताह में आपको आपके कार्य क्षेत्र पर एक्स्ट्रा वर्कलोड रहेगा। बेवजह के काम आपको दिए जाएंगे। आपके अधिकारी, आपके सहयोगी आपका सहयोग नहीं करेंगे। यदि आप व्यवसाय क्षेत्र में हैं, तो व्यवसायिक क्षेत्र में किसी प्रकार की धन हानि होने के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले सप्ताह में किसी प्रकार की कंधे के दर्द की या पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है। यदि व्यवसाय में कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, तो आपको व्यवसाय में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में उसके फायदे, उसके लाभ आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप प्रेम संबंध में इन्वॉल्व हैं, तो प्रेम संबंध को लेकर आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह होते हैं साथियों मंगल, और मंगल ग्रह अपनी खुद की राशि मेष में बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी होगी तो वह आने वाले सप्ताह में दूर होगी। रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आने के योग बन रहे हैं। यदि किसी प्रकार का कर्ज लेने की प्लानिंग चल रही है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको बहुत ही आसानी से आपका कर्ज मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, मेडिक्लेम पर या इंश्योरेंस सेक्टर पर या किसी को आर्थिक सहायता देने के नाम पर आपका पैसा खर्चा जरूर होगा। साथियों, इलीगल अफेयर को लेकर दूर रहें। मंगल ग्रह इलीगल अफेयर्स के कारण आपको मानहानि का पात्र बनाएगा, मानहानि करवाएगा। इसलिए इलीगल अफेयर की एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखें। शिक्षा के लिए आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा है। शिक्षा में नई शुरुआत आपकी हो सकती है और आप अपने रुचि के अनुसार विद्या अध्ययन कर सकते हैं। धनुराशि। धनुराशि के स्वामी ग्रह गुरु अपनी खुद की राशि में रहेंगे, यानी कि पावरफुल रहेंगे। धनुराशि वाले लोगों के लिए आने वाला सप्ताह ऊर्जा से भरपूर रहेगा। यदि किसी प्रकार की बीमारी है, तो वह बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेगा। साथियों, मित्रों का और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इनसे यदि किसी प्रकार का वाद विवाद है, तो उसे दूर करने की कोशिश करें। इस समय पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल में आपको बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। आपके बात के अंदर वजन पड़ेगा और बाजार में और समाज में आपको सम्मान मिलेगा। जीवन साथी को लेकर यदि किसी प्रकार की समस्या है, तो वह दूर होगी। आपके रुके हुए काम पूर्ण होते हुए आपको दिखाई देंगे। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी ग्रह इस सप्ताह रहेंगे मकर राशि में, और अपने राशि से राहु शुक्र बैठे हुए हैं छठे स्थान पर, सूर्य बुध बैठे हुए हैं अष्टम स्थान पर। कोई बड़ा कर्ज उतरने के योग आने वाले सप्ताह में देखने को मिलेंगे। किसी शत्रु से यदि कोई परेशानी है, किसी व्यक्ति से यदि कोई वाद विवाद है, तो उसको सुलझाने का प्रयास करें। वह व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा। व्यवसाय की नई शुरुआत करने का मन है, तो आपके लिए आने वाला सप्ताह काफी अनुकूल है। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और नए व्यवसाय में उतरने का मौका मिलेगा। इस समय पर आपका मन थोड़ा सा भयभीत रहेगा। आने वाले समय की परेशानियों को लेकर थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन शनि ग्रह की स्थिति चूंकि स्ट्रांग है साथियों, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आने वाला समय व्यवसाय के लिए और मान सम्मान के लिए काफी अच्छा है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि अपने राशि से 12th स्थान में बैठे हुए हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और साथ में गुरु ग्रह का सपोर्ट धनु राशि से शनि ग्रह को मिल रहा है। तो व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, यानी कि आपकी आजीविका को लेकर आने वाला सप्ताह अति उत्तम है। व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार का आपको फायदा होते हुए दिखाई देगा। आपकी आर्थिक समस्या बड़ी मात्रा में आपको सुलझती हुई दिखाई देगी। साथियों, यदि किसी प्रकार का कर्ज लेने का सोच रहे हैं, तो आने वाला सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल है। स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई परेशानी है, तो वह बहुत ही जल्दी ठीक होगी। नए व्यवसाय में उतरने के योग हैं।
नए व्यवसाय में पैसा इन्वेस्टमेंट होने के योग हैं। पारिवारिक सदस्यों से ना केवल आपको सहयोग मिलेगा बल्कि आर्थिक और मानसिक गतिविधियों में भी आपको उनका साथ मिलेगा। साथियों, उच्च शिक्षा को लेकर आने वाला सप्ताह काफी अच्छा है। आपको आगे रहकर उच्च शिक्षा के प्रति ध्यान लगाना चाहिए, अपनी एक्टिविटी प्रिपेयर करना चाहिए, अपनी एक्टिविटी प्लान करना चाहिए। उच्च शिक्षा को लेकर आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। मीन राशि। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु दशम स्थान में अपनी खुद की राशि यानी कि धनु राशि में बैठे हुए हैं। मीन राशि वाले लोगों के लिए आने वाला सप्ताह मिला जुला रहेगा। इलीगल अफेयर्स के कारण, प्रेम संबंधों के कारण मान सम्मान में कमी महसूस होगी। पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव पैदा होगा। संतान को लेकर कोई खुशखबर सुनने को मिलेगी। संतान कोई ऐसा कामकाज करेगी जिसके कारण आपके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए। जुए सट्टे से या लॉटरी से आपको दूर रहना चाहिए। आकस्मिक रूप से धन कमाने के चक्कर में बड़े पैसा का नुकसान आपका हो सकता है। प्रॉपर्टी पर या मकान या वाहन पर आपको पैसा खर्च करने का मौका मिलेगा। यदि पैसा खर्चा करने का कोई प्लान आता है तो उसको एग्जीक्यूट करें, उसके बारे में सोचें, उसको प्लान करें। साथियों, मीन राशि वाले लोगों के लिए आने वाला सप्ताह पार्टनरशिप के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। नए लोगों से पार्टनरशिप हो सकती है और नए लोगों का सहयोग आपको आपके बिजनेस में आने वाले सप्ताह में देखने को मिलेगा। तो यह था साथियों हमारा आने वाले सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।